आरओ की बढ़ती मांग पर भी चिंता जाहिर की है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी को साफ करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन आरओ पर लोगों के बढ़ते इसी विश्वास से एनजीटी परेशान है। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि आरओ की वजह से पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही इसका पानी लोगों के लिए काफी खतरनाक होता है। वो इसलिए कि आरओ तकनीक से पानी को साफ करते वक्त उसमें मौजूद मिनरल कम हो जाते हैं और शरीर में मिनरल की कमी की वजह से थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और दिल से जुड़ी बीमारियां तक हो सकती है। मतलब जिस आरओ को घर पर लगाकर लोग ये सोचते हैं कि वो साफ पानी पी रहे हैं, असल में वही पानी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। ये जो मशीन है वो पानी आपको छान के तो दे रही है, लेकिन उसके बदले में ये जो पानी जो है वो इस तरीके से नालियों में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी का भी नुकसान, साथ ही साथ इसमें एक और चीज जो बताई गई है वो ये कि जो मिनरल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। एनजीटी ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आरओ के पानी को खतरनाक माना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम या उससे कम है तो पानी को आरओ से साफ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब प्रति लीटर 500 मिलीग्राम टीडीएस वाला पानी पिया जा सकता है और इससे नुकसान भी नहीं होता। टीडीएस पानी में घुले वो ठोस पदार्थ होते हैं जो पानी में जितने कम होते हैं उतना ही पानी साफ माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पानी में टीडीएस की मात्रा होनी ही नहीं चाहिए। रिसर्च में दावा किया गया है कि आरओ तकनीक के इस्तेमाल में पानी में घुले मिनरल लगभग खत्म हो जाते हैं, इससे शरीर को जरूरी मिनरल नहीं मिल पाते और यही वजह है कि आरओ तकनीक पानी को खतरनाक बना देती है, जिसका असर देश के कई शहरों में देखा जा सकता है। जयपुर में तो आरओ तेजी से लोगों के घरों में जगह बना रहा है, जबकि राजस्थान सरकार खुद मानती है कि जयपुर में सप्लाई किए जा रहे पानी को आरओ की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो पानी लोगों के घर सप्लाई हो रहा है उसे पहले सरकार भी अपने प्लांट में साफ करती है, इससे पानी में मौजूद टीडीएस कम हो जाता है। लेकिन साफ होने के बाद जब ये पानी लोगों के घरों में पहुंचता है तो वो एक बार फिर इसे आरओ से साफ करते हैं, इससे पानी में मौजूद मिनरल खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि उन इलाकों में आरओ पर पूरी तरह बैन लगे जहां पानी में मौजूद टीडीएस पहले ही कम है। की बात करें अगर बिसलपुर की सप्लाई है तो उसमें आरओ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो आरओ लगाना मतलब है कि अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। एनजीटी इसलिए भी चिंता में है क्योंकि आरओ के इस खतरे के बारे में लोगों को कम पता है। लोग तो यही मानते हैं कि आरओ पानी को साफ कर देगा। ज्यादातर मामलों में तो लोग अपने घरों में इसलिए आरओ लगवा लेते हैं क्योंकि उनके पड़ोस में भी आरओ लगा है। कुछ साफ पानी है, पर ये है कि एक दूसरे को देख के लोगों ने आरओ लगाना शुरू कर दिया कि सबके घर में आरओ, हमारे घर में क्यों नहीं है। यहाँ पर जब हमने देखा तो 166 यानी कि 166 इसका टीडीएस आया जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके जब इस इलाके में हम घूमे तो ज्यादातर लोगों ने आरओ लगा रखा था। वो इसलिए क्योंकि बगल के घर में आरओ लगाया तो